वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमालंदि वल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यः। इस बात का मुझे पूरा भान है कि अतिकाल हो रहा है और इसलिए समय की सीमा में जिस विषय का आरंभ किया था उस विषय के सारे अंगों का विचार न करते हुए केवल कुछ कुछ चिंतन पूर्ण कर लेना ही श्रेयस्कर होगा ऐसे मैं मानता हूं। अयोध्या जी में भगवान श्री राम विराजमान हुए और अयोध्या जी में भगवान के विराजमान होते ही देश का अमृत काल आरंभ हो गया। देश का अमृत काल वास्तव में सार्थक करना हो तो वे श्री राम हमारे भीतर भी विराजमान होने चाहिए और श्री राम को विराजमान करना हो तो भगवान श्री राम के गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा हम लोगों के भीतर जगनी चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान श्री राम जैसा बनने का प्रयास कीजिएगा। हम बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये अगली बात है, पूर्णतया तो बनना बहुत असंभव सा लगता है, किंतु मार्ग हमारा वही होना चाहिए और उस मार्ग पर चलते समय भगवान श्री राम के स्वयं के श्रीमुख से उन्होंने जिस दिव्य रथ का आलम्बन लेकर के और अपना संपूर्ण जीवन साधा, जिस जीवन के बल पर वे स्वयं घबराए हुए कातर विभीषण से ये कह देते हैं कि तुम डरो मत, रावण कितना भी बलवान होगा, कैसा भी मायावी होगा, उसका अर्थ कैसा भी होगा, लेकिन रावण इस राम को कभी समाप्त नहीं कर सकता, राम ही रावण को समाप्त करके रहेगा, क्योंकि मैं भी एक रथ में बैठ करके आया हूं। और प्रभु ने सखा धर्ममय अस्त्रथ जाके धर्मरथ का वर्णन किया, सौरज धीरज जही रथ चाका। अयोध्या में विराजमान श्री भगवान से प्रेरणा लेकर के हमें अपने जीवन में भी शौर्य का आलम्बन लेने की आवश्यकता है। वो शौर्य कैसा होता है इसका विचार हम लोगों ने किया और धैर्य का विचार हम कर रहे थे। शौर्य में गति है, जीवन गतिमान होना चाहिए, लेकिन इस गति को कहां रोकना चाहिए इसका भान भी होना चाहिए, और नहीं तो केवल शौर्य की दिखाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवत गीता ने उसे कहा है अनवेक्ष च पौरुषम, पौरुष तो होगा लेकिन वो विवेकहीन पौरुष हो जाएगा। कहां मैं रुकूं इसका पता होना चाहिए, रथ केवल चल करके काम नहीं होता, रथ को रुकना भी आना चाहिए। और यह धैर्य हम लोग देखते हैं, शौर्य के होते हुए भी धैर्य कैसा होता है। सहसा विदधि रणक्रियाम, एक ओर साहसे श्री प्रतिवसती, लेकिन दूसरी ओर सहसा विदधि रणक्रियाम, हमें एकाएक कुछ नहीं कर डालना चाहिए। हनुमान जी की उस लीला को याद कीजिएगा,
अशोक वाटिका के प्रमदा वन में रावण भगवती सीता को धमकाता हुआ जब तलवार खींच लेता है सीता जी को मारने के लिए, अब कल्पना कीजिएगा हनुमान जी महाराज ऊपर से देख रहे हैं और रावण सीता जी को मारने के लिए तलवार खींच करके आगे बढ़ना चाहता है। हनुमान जी के स्थान पर कोई भी हम जैसा होता तो धत तेरे की कहकर के कूद पड़ता और रावण को पछाड़ता। हनुमान जी महाराज में धैर्य है और यह धैर्य अत्यंत आवश्यक, स्वयं को रोकने की क्षमता, धृति। अब यह धृति भी तीन प्रकार की है, भगवद गीता ने सात्विक राजस तामस तीन प्रकार की धृति कही है। लेकिन हनुमान जी ने अपने को रोक लिया, अंतकरण में अत्यंत उग्रता होने पर भी स्वयं को रोके रहे। क्यों? उनको पता है इस समय मैं कूद पड़ता हूं तो हो सकता है रावण को मैं पछाड़ूं, गिराऊं, दो चार मुक्के लगा करके चला जाऊं, लेकिन मेरा काम बनेगा नहीं। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, भगवती जानकी माता से मेरा परिचय भी नहीं हुआ है। भगवती जानकी माता से परिचय करना सीता जी के अंतकरण में किसी भी प्रकार का आत्मघात करने की इच्छा न रहे इतना विश्वास निर्माण करना, उनको विश्वास दिलाना, ये सारी बातें उनको करनी है। इन सब पर पानी फिर जाता यदि वो एकाएक प्रकट हो जाते। अपने को रोकना यह अत्यंत बड़ा धैर्य का काम होता है। सौरज धीरज जहि रथ चाका, वेगवान होकर के किधर चलना यह पता होना चाहिए, कहां अपने को रोक लेना यह भी पता होना चाहिए। और भगवान कहते हैं सत्यशील दुर्ध्वजा पताका, ध्वज पताका रथ के ऊपर सबसे ऊपर होती है और दूर से पहचानी जाती है। संसार के अत्यंत भीषण संग्राम में वह विजयी होता है जिसके सत्य के बारे में और शील के बारे में लोगों के अंतकरण में किसी प्रकार की कोई आशंका निर्माण ही नहीं हो जाए। बियॉन्ड सस्पिशन रथ के ध्वज को दूर से देखा जाता है। कुंभ में हम लोग देखते हैं, हम अनेक प्रकार के महात्माओं के तंबुओं को उनके ध्वजों से पहचान लेते हैं दूर से। दूर से ही सत्य और शील दृश्य हो जाना चाहिए। सत्य को अत्यंत बड़ा महत्व हमारी पूरी संस्कृति में दिया गया। सत्यान नास्ति परो धर्मः, यही नियम है। सत्य को सबसे ऊपर विराजमान कर दिया गया। कितना ऊपर, लंबी बातें करने का समय नहीं है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को भी, ध्यान में दीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर को भी स्वर्ग में जाते जाते नरक का दर्शन करना पड़ा। केवल नरक का दर्शन था, भासमान नरक का दर्शन था, लेकिन उसके कारण वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने भाइयों को नरक में देखा, वह केवल दृश्य था, कुछ समय के लिए दिखाया गया। वे भयभीत हो गए, उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे यही पर रहने दीजिए, ये मेरे भाई यहां पर है। उस दृश्य को अंतर्धान कर दिया गया। देवदूतों ने कहा आगे चलिए। कहा नरक क्या था? कहा नरक नहीं था, नरक का केवल दृश्य था। अरे क्यों दिखाया मुझे ये क्लेश, क्यों दिए आपने? दृश्य भी था तो भी मुझे क्लेश तो हुए। महाभारतकार उत्तर देते हैं, आपको एक बार यह दिखाना इसलिए आवश्यक हो गया कि चाहे भगवान के संकेत करने पर भी क्यों न हो, एक बार जीवन में आप झूठ बोले हैं, एक बार बोले हैं। भगवान अपने धर्म की प्रतिष्ठा करवाने के लिए देखो किस प्रकार का लेखन करवाते हैं। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से नहीं कही थी, लेकिन उसके कारण भी उन्हें नरक में जाना नहीं पड़ा, तो भी नरक का भासमान दर्शन होने की एक बार वेदना तो सहनी पड़ी। भगवान श्री राम सत्य की मूर्ति है, भगवान श्री राम शील की मूर्ति है। बल विवेक दम
परहित घोरे। जीवन के संग्राम में जीतना है मित्रों तो बलम उपास्व, हमारे वेद कहते बलवान बनो, दुर्बल मत रहना जीवन में। अब ये बल कैसा होता है, इसके कितने स्तर होते हैं, इनका विवेचन करने का समय नहीं। शारीरिक बल से लेकर के बौद्धिक बल, मनोबल, धन बल, जन बल, सभी प्रकार का बल हमें इकट्ठा करना चाहिए। जीवन में सफल वही होता है जो बलवान है, और इसलिए बल की उपेक्षा जीवन में कभी मत करना। दुर्बलों की बातों को कोई नहीं सुनता है। हमारे देश का गौरव इससे पहले भी कम नहीं था, देश तो महान पहले भी था, लेकिन आज देश की बात को विश्व के बाजार में अत्यंत बड़ा मूल्य इसलिए आया कि अब देश बलवान हो गया है, देश की सेना बलवान है, देश के लोग बलवान है, देश के लोग समृद्ध है। बात उसकी मानी जाती है जिसके भीतर बल है। बल के साथ विवेक, इस बल का उपयोग कब करना, इसका विवेक भी होना चाहिए। इस विवेक के बिना जीवन सफल नहीं होता है। विवेक उसे कहते हैं किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तुरंत हमारे भीतर वृत्ति जागृत हो जाए, निर्णय क्षमता जागृत हो जाए। संसार में वे ही लोग सफल होते हैं जिन्होंने सही निर्णय सही समय पर लिया। सही निर्णय सही समय पर लेने वाले ही सफल होते हैं। और इस विवेक को जागृत करने के लिए मैं आपको एक बात केवल इतनी बता देना चाहता हूं, इस विवेक को जागृत करने के लिए संपूर्ण महाभारत की कथा है। महाभारत की कथा आपको कथाएं सुनाने के लिए नहीं है, इतिहास सुनाने के लिए नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन उन सारी कथाओं की साण पर अपनी आपकी बुद्धि को वो तेज प्राप्त हो जाना चाहिए कि आप तुरंत निर्णय ले सके। ये तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता यह अत्यंत बड़ी बात होती है, और भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में इतने सावधान है, आपको सर्वदा दिखेंगे। यह विवेक ये भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। मैं आपको विवेक की एक आधुनिक बात बताता हूं, आप समझ जाएंगे कहां आगे बढ़ना है, कहां रुक जाना है, कहां पीछे भी चले जाना है। युद्ध में से भगवान श्री कृष्ण अनेक बार भाग गए, दो बार तो कम से कम भागे ही भागे हैं। शौर्य नहीं था ऐसी बात नहीं थी, शौर्य के साथ विवेक भी था। आगे बढ़ने के लिए केवल शौर्य की आवश्यकता होती है, पीछे हटकर के जीतने के लिए विवेक की भी आवश्यकता होती है। मित्रों, दो वर्ष पहले का एक प्रसंग याद करो, मैं वर्तमान की उदाहरण देता नहीं हूं लगभग, लेकिन याद करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंजाब में जा रहे थे, और पंजाब में जाते समय उन्हें एक स्थान पर रोक दिया गया, पुल के ऊपर रोक दिया गया, सामने बुलडोजर लाकर के खड़े कर दिए गए। उनके अंगरक्षक जितने भी थे अपनी बंदूकें तान करके खड़े थे, वे आगे बढ़ सकते थे, आगे बढ़ करके उनसे गलती करवाई जाए यही योजना थी, लेकिन विवेक की जागृति कैसी होती है, एक क्षण तक वे रुके। चूंकि उन्होंने महाभारत पढ़ा ही है, चूंकि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की है, विवेक जागृत हो गया और उन्होंने क्षण भर में कहा पीछे मुड़ो, पीछे चलो। ये पीछे चलने का परिणाम ये हो गया, आखिर जाकर के उन्हीं की विजय हुई, षड्यंत्रकारियों का पराभव हो गया। पीछे हटने के लिए विवेक चाहिए, बल विवेक, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, और वो अनर्थ करवाना चाहते थे लोग। बल विवेक दम परहित घोरे, अब इन सब बातों को मैं दूर रखता हूं, दो महत्वपूर्ण बातें कहकर के समाप्त करता हूं। धर्म के इस रथ में उत्तम सारथी होना चाहिए। योद्धा की विजय सारथी पर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर करती है। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान कहते हैं ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति यह जीवन का सारथी होना चाहिए।
अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान है, वे सुजान है, और कर्ण के सारथी शल्य है। शल्य ने कर्ण को अत्यंत पीड़ा दी। कर्ण के पराभव का एक महत बहुत बड़ा कारण शल्य भी है। ईश भजन सारथी, जीवन किसी भी दिशा में जाना हो, सारथी हमारा ईश्वर का भजन भक्ति होनी चाहिए। मैं जीवन में किसी भी क्षेत्र में रहूंगा, चाहे मैं सामाजिक क्षेत्र में हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं, शिक्षा के क्षेत्र में हूं, समाज की सेवा के क्षेत्र में हूं, लेकिन मेरा सारथी मेरे रमण बिहारी लाल की भक्ति के रूप में भीतर विराजमान हो, इसकी आवश्यकता है। भक्ति का आलम्बन लेकर के आप जो भी काम करेंगे, कल पूज्य महाराज जी ने, मलुकपीठाधीश्वर महाराज ने कहा, हाथ में झाड़ू लेकर के आप बुहारते भी हैं तो वो भी रमण बिहारी की सेवा ही है। कोई भी काम अंतकरणेशी भगवान विराजमान हो, ईश भजन सारथी सुजाना। और एक महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, और वो बात है, भगवान ने कहा विभीषण डरो मत, रावण के भाथे में वो बाण नहीं जिससे वह राम की छाती को विद्ध करेगा, क्योंकि मैं भी एक कवच पहन करके आया। कौन सा कवच? भगवान कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। जीवन भर वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों की सेवा करो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे, भगवान आपको सफल करके रहेंगे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में ब्राह्मणों की जो महिमा गाई गई, हमारे देश के एक महान वक्ता ने गलती से पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भाड़े के टट्टू कह दिया। वाणी का स्खलन मनुष्य को विद्ध करता है। ब्राह्मण योग्य है कि अयोग्य है, ब्राह्मण अधीत है कि अनधीत है, इसका विचार न करते हुए भी आप वो गायत्री का जापक है इतना सोच करके, उसकी सेवा करके, उसको प्रणाम करते रहेंगे, आप जहां जाएंगे विजय प्राप्त करके आए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्रों की सेवा। देखो मैं तो अपने जीवन में इस बात को अपना लक्ष्य बना करके बैठा, वेद पाठी ब्राह्मण इस देश में होने चाहिए और वेद पाठी ब्राह्मण वीर वैदिक बनने चाहिए, इस एकमात्र हेतु को लेकर के मेरा सारा जीवन चला है। और वे आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण कवच बनकर के आ जाते हैं, ध्यान रखना। और भगवान कहते कवच अभेद विप्र गुरु। अरे जिस दिन भगवान को वन में जाना था, भगवान ने स्वयं क्या किया? भगवती सीता जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी, भगवान ने कहा प्रॉपर्टी यहां पर रख करके मेरे साथ नहीं आ सकती हो, सारी प्रॉपर्टी का दान कर दो। और आपने उस कथा को पढ़ा होगा, अपने हाथ में दंड लेकर के फेंक दिया और ब्राह्मणों को बुलाया, सीता जी के महल से जिसको जो चाहिए ले जाओ, लेकर के गए ब्राह्मण, लेकिन ध्यान रखना उनके आशीर्वाद कवच बनकर के उनके निरंतर साथ रहे। इस देश का ब्राह्मण कैसा होता है लोगों को पता नहीं है। पांडव वन में जाने के लिए चले, आप लोगों को पता नहीं है पांडवों के साथ सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण चले। धर्मराज ने हाथ जोड़ करके कहा हम अपने भी भोजन के लिए पराधीन हो गए, हम आपका भरण पोषण क्या करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा धर्मराज उसकी चिंता, अस्मत पोषण जा चिंता नते कार्या कदा स्वयं आरुत्य चाष्टा चाष्टी हो, हम कंदमूल फल खाएंगे, हम कुछ भी खा करके जीवन काटेंगे, तुम्हारे पास हाथ नहीं पसारेंगे, भोजन अपना अपन स्वयं ला करके करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ब्राह्मणों को वन में भेजा नहीं गया था, वनवास का स्वेच्छावरण किया था। धर्मराज ने पूछा लेकिन फिर आप करेंगे क्या, मुझे 12 वर्ष का वनवास है। ब्राह्मणों ने कहा
रोज प्रातः काल हमारा संध्या वंदन आनिक होने के बाद में हम जप करेंगे, तप करेंगे, अर्चना करेंगे कि 13 वर्षों के पश्चात पुनः हमारा राजा सिंहासन के ऊपर बैठना चाहिए। हम अनुष्ठान करेंगे, प्रातः काल में ये करेंगे और अपराह्न की बेला में, मध्यान्ह और अपराह्न की बेला में हम आपको कथा भी, कर्ण रम्या भी, अत्यंत रमणीय कथाएं सुनाएंगे, इतिहास सुनाएंगे, ताकि आपका मनोबल बना रहे। अरे वनवास जिसको प्राप्त होता है वो डिप्रेशन में जाने की बहुत संभावना होती है। हम आपको कथा सुनाएंगे और कथाओं से आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, आपका पुरुषार्थ जागृत रखेंगे। और ध्यान रखना, सैकड़ों की संख्या में साथ में चले हुए ये ब्राह्मण, इनमें से एक भी 12 वर्षों तक लौट करके नहीं आया। वयम राष्ट्रे जागरूयाम पुरोहिताः, इस राष्ट्र के लिए हम जागरूक हैं, हमें पुनः धर्म संपन्न सरकार लानी है। इस प्रकार का विचार करके वे स्वयं 12 वर्षों तक कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसे विप्रों की सेवा करने वाला कभी किसी दुष्ट के द्वारा मारा नहीं जाएगा। और सबसे ऊंची बात गुरु पूजा, भगवान कहते हैं विभीषण महर्षि वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद है, विश्वामित्र मुनि का आशीर्वाद है, अगस्त मुनि के आशीर्वाद के कवच को धारण करके मैं आया हूं, रावण मुझे मार नहीं सकता, इस युद्ध में विजय मेरी होने वाली है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। समय के अभाव में रुकता हूं मित्रों, लेकिन इस गुरु पूजा का कवच हम सबके जीवन में निरंतर बना रहे, और इस गुरु पूजा के बल पर, इस गुरु आशीर्वादों के बल पर हम भी स्वयं अपने जीवन के संग्राम में विजयी होकर के रहे। इसके लिए प्रतिवर्ष रमण बिहारी लाल के श्री चरणों में आकर के हम लोग याचना करते रहते हैं। कल चर्चा चली थी पूज्य महाराज श्री विराजमान, और चर्चा चली थी श्रीमद् भागवत का अध्ययन, इसका अध्ययन, उसका अध्ययन। मैंने कहा एक ही बात मुझे पता है, गुरु कृपामृत योग ही सबसे ऊंचा योग होता है। गुरु कृपामृत योग यह ज्ञानेश्वरी का शब्द है, जिसके जीवन में गुरु कृपा की वृष्टि होती है। देखो आज वृष्टि हो गई, जिसके जीवन में गुरु कृपा की वृष्टि होती है उसे कहीं पराभूत नहीं होना पड़ता। नते यान्ति पराभवम्, नते यान्ति पराभवम्। पूज्य महाराज श्री हम लोगों को संकेत करके और यहाँ पर जो एकत्रित करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमारी वैदिक परंपरा, उनके सब के लिए हमारे अंतकरण में अपार आदर निर्माण हो जाए। हमारा जीवन धर्मरथ में विराजमान होकर के यश की ओर, विजय की ओर चले। और यह व्यक्तिगत जीवन केवल नहीं, हमारा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन भी विजय की ओर अग्रसर होता हुआ हमारे सनातन धर्म का पूर्ण उद्धार करके रहे। इस आकांक्षा के साथ यहाँ पर जो यह मेला होता है, यह अपना रंग ला रहा है, और जितना जितना मेला यहाँ पर बढ़ता जाएगा और लोगों के अंतकरण में ये भाव पुनः पुनः जागृत होते जाएंगे, ध्यान रखना भारत का विजयी ध्वज ऊंचा ऊंचा लहराता जाएगा, और उसमें पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद कारण होंगे। उन्हीं की याचना, इसी के साथ वाणी को विराम। ज्ञानेश्वर महाराज की।